वेलकम टू यूनिक इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट मैक्रोनी। स्वीट मैक्रोनी बनाने के लिए अब हम एक पतीला लेंगे, इसमें हम आधा लीटर दूध ऐड कर लेंगे। और इसमें एक गिलास पानी ऐड करेंगे। एक गिलास पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि मैक्रोनी को इसमें गला लेंगे। अब हमारा दूध गर्म हो चुका है, अब हम इस दूध में मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैक्रोनी को हम डालने के बाद अगर नहीं हिलाएंगे तो वो तले से चिपकने लगेगी, इसलिए हम मैक्रोनी को हिलाते हुए पका लेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मैक्रोनी को अच्छे से गलने तक 5 मिनट तक पका लेंगे। अब हमारी मैक्रोनी गल चुकी है, अब हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। हमने 4 टीस्पून शुगर लिए हुए हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर को ऐड करने के बाद हम फिर से 4 मिनट तक पका लेंगे। शुगर को हम अच्छे से घुलने तक पका लेंगे। अब शुगर अच्छे से घुल चुकी है, अब हम छोटा सा फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड कर लेंगे और उसमें काजू, बादाम, किशमिश, इलायची, इन सब को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम जो ड्राई फ्रूट फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसे मैक्रोनी के मीठे में ऐड कर लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करते हुए 2 या 3 मिनट तक पका लेंगे। अब हमारा मैक्रोनी का मीठा बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और उसे बादाम और काजू से गार्निश कर लेंगे।